पर जब आप एक बच्ची को ब्याह के अपने घर में लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे पूरे जॉइंट फैमिली के लिए एक ही वॉशरूम है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको बुनियादी इंसानी अकल भी नहीं है। आप सोचें, एक कमरे में मर्द बैठे हुए हैं, उसमें आपका बहनोई भी बैठा हुआ है, देवर भी बैठा हुआ है, दुल्हन हो या घर की बेटी, कोई भी कितनी भी उसकी फितरी ज़रूरत हो, उस वक्त बाथरूम जाते हुए वो डरेगी कि सामने मर्द बैठे हुए हैं। जब कोई लड़की अंदर जाती है तो बैठे हुए जो मर्जी हो वो चीज़ों को विजुलाइज करते हैं और बुरे तरीके से विजुलाइज करते हैं। दें इसलिए जब बाकी चीज़ें अब तय करते हैं तो उनको अटैच बाथ लाजमी होना चाहिए। दुल्हे और दुल्हन की शादी आपने करनी है और आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है, यानी हर चीज़ पे करेंगे, उनका बाथरूम बनाने का खर्चा नहीं है, अगर आप घर में बाथरूम नहीं बना सकते तो वो शादी क्यों कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैंने हाल ही में अपना जब घर बनाया तो उसमें अपने बच्चों के कमरे में उनका वाशरूम अलग बनाया, जो मेहमान जिस कमरे में ठहराने उनका इंडिपेंडेंट वाशरूम अलग बनाया, जो मेरा ऑफिस है उसके साथ जो मेहमान और क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए भी एक छोटा वाशरूम बनाया। लोगों की फितरी ज़रूरत होती है, उस वक्त वो गरीब क्या करें। यानी मुझे याद है एक बड़े आदमी के यहाँ एक साहब मिलने गए, दोनों हमारे जानने वाले, और उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम, कहा मैंने वाशरूम जाना है, तो उसने गुस्से से कहा अपने घर जाके चला जाएं। अब ये जुमला उन्हें आज तक याद है, दुख देता है, तकलीफ देता है। पर जब आप एक बच्ची को ब्याह के अपने घर में लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे पूरे जॉइंट फैमिली के लिए एक ही वाशरूम है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको बुनियादी इंसानी अकल भी नहीं है, दूसरी बात आपके अंदर बुनियादी इंसानी एथिक्स भी नहीं है। हम जब बिल्कुल छोटे थे, बचपन में हम गांव जाते थे, हमारा ननिहाल टोबा ट्रिक्सिंग में था, तो मुझे याद है घर की ख़वातीन, नानी और खालाएं और जो बाकी लोग गए होते, सुबह सुबह फजर की नमाज के वक्त यानी सूरज निकलने से पहले गांव से बाहर जाके टिब्बे होते थे, वहाँ जाते थे। अच्छा, तब ये होता था कि टिब्बों ख़वातीन को बाहर जाने के लिए भी प्राइवेसी, ये मर्दों की तरह बेझिझक नहीं जा सकती। अब सोचें, एक कमरे में मर्द बैठे हुए हैं, उसमें आपका बहनोई भी बैठा हुआ है, देवर भी बैठा हुआ है, दुल्हन हो या घर की बेटी, कोई भी कितनी भी उसकी फितरी ज़रूरत हो, उस वक्त बाथरूम जाते हुए वो डरेगी कि सामने मर्द बैठे हुए हैं। जब कोई लड़की अंदर जाती है तो बैठे हुए जो मर्जी हो वो चीज़ों को विजुलाइज करते हैं और बुरे तरीके से विजुलाइज करते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ख़वातीन का वाशरूम, ये जो साथ अटैच बाथ होता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको प्राइवेसी मिलती है, आपके वाशरूम जाने का, अपने आप को नहलाने का, गुसल का, पाकी का, नापाकी का, इवन अपने कपड़े वाश करने का। बच्चियों के 100 मसाज चेंज करने हैं, अंडरगारमेंट्स को धोना है, तो धो के बाहर वो तार पे हैंग नहीं कर सकती, उन्हें वहीं अपने वॉशरूम में रखना होता है। पैड्स चेंज करने हैं तो उसको हर वक्त वो जहाज के बाहर डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, वहीं अपने वॉशरूम में किसी डस्टबिन में वो बंद करके रखेंगे। 10 चीज़ें हैं जिसका ख्याल करना होता है, और मेरे पास सवालों का ढेर लगा हुआ है हमारी उस वीडियो के बाद। अब लाइक हंजला में संजला ने कहा कि सर जी, मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि लड़की के लिए हम अलग वॉशरूम नहीं बना सकते, जॉइंट फैमिली में एक ही वाशरूम है, उसी पे गुजारा करना होगा। बेटा, अगर तो दुनिया में लोग ख़त्म हो गए हों, ये आखिरी ससुराल है, तो चले जाइएगा। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से और ब्लंटली कह रहा हूँ, ऐसे बेहिस लोग आपके ज़िंदगी को तंग कर देंगे, इन्हें आपकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल नहीं है, तो क्या कहेंगे, हर दफ़ा जाके अपने घर चले जाया करो। आलिया ने कहा सर जी, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे साथ यही किया था, मुझको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं दिया, ठंडे पानी से नहाने की वजह से मैं बीमार हो गई थी। रूही ने कहा कि सर, मैंने सारा दिन शादी का अगला दिन नापाकी की हालत में गुजारा, क्योंकि अटैच वाशरूम नहीं था और दूसरे बाथरूम में मैं जा नहीं सकती थी। सो मकलावे के मौके पे वालदैन के घर आके मैंने गुसल किया और मैं बहुत देर रोई, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतने घंटे नापाकी की हालत में गुजारे।
मेरी नमाजें भी ज़ाया हुई और जो मेरे दिल पे गुजरी वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। अब सोचिए, ये वो बच्चियां हैं जिनको ये दुख जो उन्होंने झीला हुआ है, जब हमने ज़रा सा इजहार किया तो वो फट पड़ी। तो वो बच्चियां जिनकी शादी अभी होनी है, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत से ये प्रैक्टिकली गुजारिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ों को फार ग्रांटेड ना लिया करें। कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मुझसे ना डिटेल में मुझे जाने दें, इसलिए जब बाकी चीज़ें अब तय करते हैं तो उनको अटैच बाथ लाजमी होना चाहिए। दुल्हे और दुल्हन की शादी आपने करनी है और आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है, यानी हर चीज़ पे करेंगे, उनका बाथरूम बनाने का खर्चा नहीं है, अगर आप घर में बाथरूम नहीं बना सकते तो वो शादी क्यों कर रहे हैं? यानी इतनी आपकी औकात नहीं है और आपने शतीर को जाके हाथ मारना है, तो डोंट डू दैट। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे बेडरूम के बिना, कमरे के कारपेट के बिना, कमरे की सारी जो दुल्हन की चीज़ें थी उनके बिना शादी अधूरी नामुकम्मल लगती है, तो इसी तौर पे जो वॉशरूम है, अटैच बाथरूम, सबके साथ वाला नहीं कि जहाँ हर कोई जा रहा हो, छड़े हों तो चलें बात समझ आती है, छड़ों में भी हमने देखा कि लाइनें लगी होती हैं पूरे घर में, तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बुरा भला कह रहे होते हैं, उनके हर बंदे की स्मेल अलग होती है, हर बंदे का जाने का बैठने का वक्त अलग होता है, आपकी प्राइवेसी ज़ीरो हो जाती है और दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत भी ख़राब होती है। जो आपके बाद जाएगा, ना तो हर वाशरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, ना हर वाशरूम में वहाँ अपने को परफ्यूम रखा हुआ होता है, सो वो जो बदबू है वो भी आपकी शख्सियत को दूसरों के लिए नापसंदीदा बनाती है। ढीठ लोगों पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। जब आप ज़रा पढ़ लिख जाते हैं और किसी अच्छे दफ्तर में जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ क्या ढूंढते हैं? तो क्या लोगों के अपने मतहतों के जाके बाथरूमों में जाके जाते हैं? सब अफसर का, हर बड़े बाइज्जत आदमी का बाथरूम अटैच बाथ अलग होता है, कभी वहाँ बहुत दिक्कत होती है। मुझे याद है मैंने जब पहली जॉब की तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पब्लिशिंग अदारा था, तो दूसरी मंजिल पे मेरा ऑफिस था, तो नीचे उनके 3-4 वाशरूम थे, कमाल गंदे होते थे, जितना स्टाफ था 30-40 का, सब वो उन्हीं वाशरूम में जाता था, तो वहाँ जाके बैठा नहीं जाता था। तो फिर मैंने जो हमारा स्वीपर था उसकी मदद से MD के वाशरूम की चाबी एक बनवाई, यानी वो सिर्फ उसी का वाशरूम होता था, तो उस चाबी की मदद से मैं जाता था, जाके उसको इस्तेमाल भी करता, उसको वहाँ वजू भी करते। और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी से फारग होकर, जो मेरी पहली जॉब थी, आप सोचें उस उम्र में आप अवामी और इज्तमाही बाथरूम इस्तेमाल करने पे तैयार नहीं होते, तो शादी के बाद तो बिल्कुल बेतुकी बात है। अच्छा, नज़ीर साहब ने और MK, इन दोनों ने, वो कहते हैं हमारे बाल दो मुँहे हो गए और झड़ गए और इनको बड़े मसाइल हैं, क्या करें? वैसे गुजारिश ये है कि हर घर में 2-3 तेल ज़रूर होने चाहिए। ये जो बादाम का है, रोगने बादाम, वो ज़रूर होना चाहिए, ऑलिव ऑयल ज़रूर होना चाहिए, ये जो होता है सफ़ेद गिरी वाला तेल, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर ये फटीक अब नहीं कर सकते, एक मैं अपनी जवानी में इस्तेमाल करता रहा, वो सत तेल होता था, सत तेलों का तेल, किसी मशहूर कंपनी का, ग्रीन कलर का होता था, तो उसमें 7 तेलों का असर होता था। अभी जो आपके लिए बना बनाया बहुत अच्छा नुस्खा हो सकता है, वो इनका पाकिस्तान हर्बल वालों का, जो डॉक्टर साहब ने खुद बनाया, इसमें भी कुछ 7-8 ऑयल हैं और कड़ी पत्ता और ये जो लहसुन और जितने मसाले हैं, ये सब जो ज़रूरी होते हैं बालों के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, ये उसका नाम है इंस्टेंट हेयर ग्रोथ ऑयल, तो आप पाकिस्तान हर्बल से मंगवा सकते हैं, 0300-041-9942, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, और मेरा ख्याल ये वाला है, ये 2-3 आप उनका पैकेज ही होता है, वो मंगवा लें, उनमें रायत भी आपको वो हो जाएगी। और ये बेसिकली 100 मिलीलीटर का है, 100% प्योर एंड नेचुरल, चूँकि ये तो बनता मैंने देखा हुआ है, और सारी रात, मतलब आप सोचें कि 12-14 घंटे में ये बना, इतना वो शानदार उसके असर वाला है, जो जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदा तो होता है। जिन लोगों को गंजिश नहीं होना और बाल अपने ठीक रखने हैं, चमकदार भी और एनर्जी वाले भी और
खूबसूरत भी, दो मुंह हो जाए थोड़े काट दिया करें। महीने की आखिरी तारीखों को सब खवातीन को एक एक इंच बाल अपने काटने चाहिए, उससे ग्रोथ बढ़ जाती। दूसरा फिर ये ऑयल लगे तो फिर इसका बहुत अच्छा असर होता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।